हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। आज हम बात करेंगे यूके के अंदर अगर आप एमबीए का प्लान कर रहे हैं और अपने पीआर या फिर वहाँ सेटल होना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको स्पेशली ध्यान रखना है और कुछ ऐसी ऑप्शंस भी आपके पास जिसके अंदर अगर आप जनरली लो बजट यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं या फिर इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं तो जहाँ आपकी 15 लाख रुपीज़ मिनिमम फीस पड़ती है वहाँ आप 9 to 10 लाख रुपीज़ में यूके में एमबीए कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि आप एमबीए क्यों करना है आपको यूके में, इस चीज़ का गाइडेंस आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बिज़नेस बैकग्राउंड से होते हैं एमबीए करने के लिए। कुछ अभी ट्रेंड चल रहा है इंडिया के अंदर जिसमें बीटेक करने के बाद में एमबीए बहुत पॉपुलर हो रखा है और एमबीए स्टूडेंट्स करते हैं बीटेक के बाद भी। तो इस चीज़ के अंदर ध्यान रखें फ्रेंड्स कि जिस तरीके से इंडिया में या एशियन कंट्रीज़ में एजुकेशन चलती है उससे यूके के अंदर एजुकेशन बिल्कुल डिफरेंट है और आपको डायरेक्टली टाइटल यानी कि एमबीए करने की ज़रूरत यूके के अंदर नहीं है और उससे आपके जो चांसेस है पीआर के वो डाउन होते हैं ना कि अप होते हैं। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखें कि अगर आप यूके में सेटल होना चाह रहे हैं और आपने बीटेक कर रखी है या बीकॉम कर रखी है, कोई भी कोर्स कर रखा है और स्ट्रेट फॉरवर्ड आप एमबीए के लिए जा रहे हैं तो आप अपने चांसेस गिरा रहे हैं पीआर के, ना कि आपके चांसेस बढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है और दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि अब एमबीए अगर डायरेक्ट नहीं करना तो हम क्या कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि अगर आपने बीबीए कर रखा है और आप एमबीए कर रहे हैं तो देन इट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी प्रोफाइल डिफेंड कर सकते हैं कि इसके बाद में ये कोर्स हमें करना था। लेकिन अभी बहुत अच्छे कोर्सेज आ रखे हैं जैसे मार्केटिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इस तरीके के कोर्सेज अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ते हैं यूके के अंदर जॉब मिलने के। और अगर आपने बीटेक कर रखी है तो बीटेक के बाद में काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी दोनों को कंबाइन करते हैं, वो कोर्सेज आप कर सकते हैं। जैसे डेटा एनालिसिस आप कर सकते हैं जो कि बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाया जाता है यूके के अंदर, बिजनेस स्कूल्स के जो डेटा एनालिस्ट है वो आप कर सकते हो। या फिर इसी तरीके के कोर्सेज आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन, करीब करीब आपको 70 to 80 डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे मास्टर्स के अंदर जो कि बिजनेस स्कूल्स ऑपरेट कर रही है थ्रू आउट यूके, और उन कोर्सेज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी जैसे डिजिटल मीडिया है या एनिमेशन है, इस तरीके के कई सारे कोर्सेज जो हैं वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जैसे ब्रांड मैनेजमेंट है, लग्जरी मैनेजमेंट है, इस तरीके के भी कोर्सेज हैं जो कि इंडिया में इतने वाइडली पॉपुलर नहीं है। वो आपको सर्च करने चाहिए, रिसर्च अपनी करनी चाहिए फॉरेन एजुकेशन से पहले। तो इन चीज़ों का आप स्पेशली ध्यान रखें। और जो मैं बात कर रहा था अफोर्डेबल प्राइसेस की आपके पास, तो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ वूस्टर जो है जहाँ पे 5 तरीके के मैनेजमेंट कोर्सेज मास्टर्स में अवेलेबल है वहाँ पे आपको £3,000 की स्ट्रेट अवे स्कॉलरशिप अभी मिल रही है। 14,700 pounds आपकी फीस है, 3,000 स्कॉलरशिप है आपकी। डिटेल में आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं और £500 का आपको अर्ली पेमेंट डिस्काउंट भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर मिल रहा है। लास्ट 15 to 20 days बचे हैं आपके एडमिशन के लिए इसके अंदर, और एडमिशन जो है फ्रेंड्स वो सितंबर इनटेक के लिए अभी ओपन है इस यूनिवर्सिटी में, तो आप अपनी एप्लीकेशन करवा सकते हैं। और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर अच्छी स्कॉलरशिप्स आपको मिल रही है। टॉप रैंक की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रसल ग्रुप भी अभी ओपन है, वहाँ पे भी आप एप्लीकेशन अपनी करवा सकते हैं। तो अपनी एप्लीकेशन करवाने के लिए आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या डायरेक्टली स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ऐसे ही कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।